नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे हम वार्ता करेंगे सूर्य नारायण तुला राशि में, उसमें भी स्वाति नक्षत्र में जा रहे हैं। ये जो दो तत्वों का मिलन है ना, ये दो तत्वों जब परस्पर एक जैसे नहीं होते तो रिएक्शन होता है, एक्शन होता है, परेशानी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो परेशानी हो रही है ये हो रही है कि सूर्य नारायण पहले तो जा रहे हैं शुक्र की तुला राशि में, उसके बाद फिर वो राहु के स्वाति नक्षत्र में जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। स्वाति को आप देखें ना, तो स्वाति का जो स्वभाव है संघर्ष के साथ चलता है। एक पौधा है जो तेज हवा के झोंके में भी पृथ्वी को छूता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है। तो यदि आप अपने अंदर सरलता रख सके, पॉइंट क्या है, यदि आप अपने आप को छोटे से पौधे के रूप में परिवर्तित कर सके तो दुनिया की कोई आंधी नहीं कुछ आपका बिगाड़ सकती। ठीक है ना, दुनिया की कोई आंधी कुछ भी नहीं कर सकती। आप झुकेंगे फिर उठ के खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपके अंदर जड़ता आ गई तो आप तोड़ दिए जाओगे। पॉइंट नोट कर लीजिए। इसका एक स्वाति का प्रभाव होता है। स्वाति की जो जाति होती है ना, उसको बोलते हैं बू चढ़ कसाई। अब आप जब अवरोधक का काम बनेंगे तो आपके संस्थान आपका कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। आप संस्थान के नियमों के साथ चलेंगे तो आप उनके साथ बहते रहेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए इस नक्षत्र में जब सूर्य नारायण जा रहे हैं तो अपने सीनियर से ईगो को मत टकराइएगा। ठीक है ना, हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान, हनु हनु मतलब मारने वाला, मान ईगो को, ईगो को मार दीजिए, आप हनुमान जी बन जाएंगे, आप श्री राम के परम भक्त बन जाएंगे। तो आप अपने ईगो को थोड़ा सा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन जब विजयदशमी का पर्व आप मना रहे होंगे, उसी समय सूर्य नारायण स्वाति नक्षत्र में जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत परेशान नहीं होना है। क्या, सिर्फ ध्यान देना है। आप ध्यान दे के चलेंगे तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। 24 अक्टूबर को प्रथम चरण में गोचर करेंगे, 28 को द्वितीय चरण में गोचर करेंगे, 31 को तृतीय चरण में गोचर करेंगे और फिर 3 नवंबर को चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे। 4 चरणों में गोचर होगा, 4 तरह के फल मिलेंगे आपको। इस समय आपके बर्थ चार्ट पे, वृश्चिक राशि पे सूर्य देव 12वें घर में है, कर्मा का स्वामी 12वें घर में, लगन का स्वामी 12वें घर में। ठीक है ना, चार चार ग्रहों की युति, केतु महाराज यहीं पे हैं। इस समय मंगलदेव बलि हैं यहाँ पे, इसलिए मंगल का बल लीजिएगा। ठीक, स्वाति नक्षत्र के जैसे प्रथम चरण में सूर्यदेव जा रहे हैं, धनु का प्रभाव लेकर चलेंगे। तो धनु मतलब अग्नि तत्व, धनु मतलब आग। अब आपके अंदर क्या होगा, आप अपने जो भी आपको लोग बताने वाले होंगे उनसे बेहतर डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर है, क्योंकि धनु गुरु का मूल है। आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हो, आपके जो सीनियर बता रहे हैं आप ज़्यादा अच्छा जानते हो, किंतु सीनियर इज ऑलवेज राइट। नौकरी करना है तो ठीक है ना, सीनियर नौकरी वालों के लिए बहुत सिंपल सा है, सीनियर इज ऑलवेज राइट। भाई सीनियर गलत हो ही नहीं सकता। उसने कहा जामुन का पेड़ है, सर जामुन का पेड़ है। दूसरे दिन कहा आम का पेड़ है, सर आम का पेड़ है। वो बीरबल और अकबर वाली कहानी सुनी होगी ना, बोला बैगन बहुत अच्छा है, फिर बोला बैगन खराब है। बोला जहाँ पना आपकी नौकरी कर रहे हैं, बैगन की थोड़ी ना कर रहे हैं। आपको अच्छा तो अच्छा, थोड़ी सी मतलब यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको लानी होंगी, नहीं तो धनात्मक रूप से आप फंसा दिए जाओगे। मतलब आपका आगे जो TDA मिल रहा है उसमें परेशानी आएगी, दीपावली के बोनस में परेशानी आ जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। स्वाति के दूसरे चरण में जैसे ये प्रवेश करेंगे मकर नवांश में करेंगे, अब आपके जो मेहनत होगी, आपका पराक्रम होगा, उसका पूरा आपको लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है आपसे ऐसा काम कराया जाए कि वो लाभकारी न हो, उसका प्रॉफिट आपको ना मिले, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी बहुत से दिन निकाले जाते हैं। ठीक, शनि के प्रभाव में चलेंगे सूर्य नारायण, चलना पड़ेगा, चलेंगे नहीं चलना पड़ेगा। इसके बाद तीसरे चरण में जब चलेंगे तो तीसरे चरण में यहाँ पे कुंभ नवांश में चलेंगे। कुंभ आपके लिए बेहतर नवांश है, कुंभ नवांश सुख का नवांश है, तो सुख की प्राप्ति कराएंगे। किनसे, वृद्ध टाइप जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं उनके टच में रहिए, सुख मिलेगा। जो वहाँ के
लेबर पार्टी वो भी आपको सुख सहयोग का मार्ग प्रदान करेगी। कोई अगर परेशानी आ रही है उनसे पूछ लीजिएगा। अंतिम चरणों में मीन में जाएंगे, प्रेम में धोखा मिल सकता है आपको। जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो चेहरा ले के मिल रहा है वही इसका असली चेहरा है। पॉइंट क्या है, सामने वाला जो चेहरा ले के मिल रहा है वही इसका असली चेहरा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सूर्यदेव आपके कर्मा के स्वामी हैं और ये नीच के हैं, इस समय इनकी जो एनर्जी है वो डाउन है। नीच का होना मतलब एनर्जी डाउन है। अब यहाँ पे बेवजह आपके जो सीनियर हैं वो आपका मार्ग अवरुद्ध करेंगे, एक ज्वेलसी की भावना आएगी, एक जलन होगी। हो सकता है आपका अपना व्यक्तित्व, आपका ओरा इतना अच्छा हो, तो ये समय संभाल के चलने का है। क्या, बिल्कुल संभाल के चलना। अगर नहीं संभालेंगे, प्रथम चरण में आपको आर्थिक हानि हो जाएगी, दूसरे चरण में बेवजह काम कराए जाएंगे, तीसरे चरण में सुख समृद्धि की कमी आ जाएगी और चौथे चरण में आपके साथ प्रेम में धोखा होगा, प्रेम छोड़ के चला जाएगा, उधर विकार हो जाएगा। तो ये चार तरह से फल मिलेंगे, क्या करें, बहुत परेशान नहीं होना है। कल जो है आदिशक्ति जगदम्बा, आज ही समापन का दिन है और कल दशहरा है, दशहरा। तो सूर्यनारायण की स्तुति के साथ साथ अगर आपको लगता है कि कोई शत्रु परेशान कर रहा है, बंगलामुखी माता का एक मंत्र, एक माला रोज जाप करना शुरू कर दीजिए, जो शत्रु हैं खत्म हो जाएंगे। ओम रिम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पद्मस्तंभाय जीवां केलं बुद्धिं विनाशाय ह्रीं स्वाहा। या दुर्गा जी के 32 नामावली का आप पाठ करते रहें, या दुर्गा जी के शुद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते रहें, साथ ही बढ़िया उपाय, ठीक है ना। अब देखें आपके आसपास जो कुत्ते हैं या कुत्ते टाइप लोग हैं उनको कुछ खिलाते रहें। अच्छा, कुत्ते जो लोग हैं वो उनको भी आप खिला सकते हैं और कुत्तों को थोड़ा थोड़ा कुछ देते रहिए। और इस बीच सूर्यनारायण को प्रतिदिन अर्घ दीजिए, सूर्यनारायण को प्रणाम करिए, गायत्री मंत्र का 11 बार पाठ करिए, 11 बार ज़्यादा नहीं, 11 बार पाठ करना है। इस बीच में कोशिश करना है कि जूठे हाथ आप नहीं रहेंगे। आजकल की जो भागम भाग परिवेश है ना, उसमें हम कहीं खाए ऐसे हाथ ले पहुँच के चल दिए, नहीं, प्रॉपर तरीके से पानी से धुलना है। और जूठे हाथ तो सर पे अपना हाथ ले ही नहीं जाना है, बहुत ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह की चीज़ें ले जाते हैं तो परेशान करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि स्मोकिंग करते हैं ना, ज़्यादातर लोग स्मोकिंग मतलब इसमें उंगली फंसा करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे फंसा करते हैं। अगर यहाँ पे स्मोकिंग करने की आदत है बहुत परेशान हो जाओगे, सूर्य पे राहु सवार हो जाएगा, मत करो स्मोकिंग, करो ही नहीं। तो यहाँ पे आप सीधा सा है, जो तंबाकू होती है, सिगरेट होता है, इसको किसी को दान दे दीजिए या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। सूर्यनारायण को अर्घ देते रहिए, अपने पिता को प्रणाम करके चलिए। अगर पिताजी नहीं है तो उनकी प्रतिमा को, फोटो को प्रणाम करिए। सूर्यनारायण को प्रतिदिन प्रणाम करते चलिए, कुछ भी नहीं होगा। एक और अंतिम उपाय, रामबाण उपाय, अंतिम उपाय और रामबाण उपाय, कोई परेशानी नहीं। स्वाति में जा रहे हैं वो बात ठीक है, एक कद्दू लीजिए और भैंस को खिला दीजिए। अब आप शायद इंडिया से बाहर रहते हो तो भैंस तो मिलेगी नहीं, फिर क्या करें, कुछ नहीं करिए। कद्दू लीजिए, उसको अपने ऊपर से 7 बार उतारिए, उसके ऊपर हाथ रखिए 2-4 मिनट, उसके ले जाके वीरान जगह में छोड़ दीजिए, बिंदास ढंग से निकालिए मित्र, कुछ भी नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं ना। इतनी छोटी छोटी जानकारी अन्यत्र शायद ही आपको मिले, ठीक। चलिए, तो सपोर्ट अवश्य करिएगा। राधे राधे, शुभकामना आपके।